चलिए तो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना था, फॉर्म फॉर्म के सिचुएशन को जानने के लिए। अब इसके बाद जो आपसे ये बात टॉपिक डिस्कस हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, इसको जानने के लिए हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब इसमें क्या होना है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे फॉर्म में दो पार्टनर हैं, अगर फॉर्म में तीन पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं, तो आप थ्री कॉलम्स फोर कॉलम्स बना सकते हो, ए बी सी डी, ए सी डी। बेसिक चीज़ आपको पता है डेबिट साइड, ये आपका होगा क्रेडिट साइड। और एक टेक्निकल बात जान लें, जो कि ये सब चीज़ें इलेवन से ही आप अवेयर होंगे ऐसा मुझे पूरा कंफर्म हूँ मैं, हमेशा इस बात को ध्यान देना कि जब भी कैपिटल इंक्रीज करता है, मैंने अभी बताया भी था आपको, कैपिटल जब भी इंक्रीज करता है, कैपिटल जब भी प्लस होता है तो हमेशा कैपिटल क्रेडिट होता है। और कैपिटल जब तक फॉर्म में पॉजिटिव कैपिटल रहता है, पार्टनर्स का कैपिटल जब तक फॉर्म में अवेलेबल रहता है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताया जाता है, क्योंकि कैपिटल अपने आप में एक इंटरनल लायबिलिटी मानी जाती है फॉर्म की। इसलिए यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ों को देखेंगे, हम लोग देखते हैं अभी। सी प्लस मैंने यहाँ लिखा, सी डिनोट करता है यहाँ पे किसको, कैपिटल को। सी प्लस यानी जब कैपिटल प्लस होगा, इंक्रीज होगा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। कैपिटल सी कैपिटल माइनस, यानी जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा किसी भी कारण से, जब लगता है कि कैपिटल में कमी आ रही है, कैपिटल कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कैपिटल को हमेशा डेबिट साइड में शो करना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि इसका पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा किसी भी कारण से, तो आप उसको इमीडिएटली महसूस करना, जिस भी कारण से कैपिटल इंक्रीज करेगा तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। किसी भी कारण से अगर ऐसा लगता है कि कैपिटल डिक्रीज होना होगा, तो आप कैपिटल को डेबिट कर देना। ये एक बेसिक बात आप दिमाग में रख जाओ। अब चलो क्वेश्चन अगर आपके सामने है, यहाँ शुरू में अगर देखते हैं फर्स्ट अप्रैल को दो पार्टनर हैं ए और बी। फर्स्ट अप्रैल को जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इन्होंने 50,000 रुपीज़ स्टार्टिंग लगाया, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। इन्होंने स्टार्टिंग लगाया था 60,000 रुपीज़ कैपिटल, तो इसको भी हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम ईयर एंड में क्लोज करेंगे, तो उस समय जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग में कैपिटल क्या था, ये हम ओपनिंग कैपिटल के रूप में यहाँ पे नोट कर देंगे। अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कैपिटल फॉर्म में अवेलेबल है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है अगर फॉर्म में पार्टनर्स का कैपिटल पॉजिटिव अवेलेबल है तो, और इसलिए क्रेडिट साइड में आप इसको पुट अप कर दो। अब हम जो ये टॉपिक्स देख रहे थे, इसको मैंने बस रखा, और भी बहुत सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, आने वाले हैं, इस पे बाद में चल कर के बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। लेकिन अभी मैं इन टॉपिक्स को, जो पीएल एप्रोप्रिएशन को भी इफेक्ट करता है और पार्टनर्स के कैपिटल को भी इफेक्ट करता है, इन दो टॉपिक्स को लेकर के मैं यहाँ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता रहा हूँ। तो कैपिटल क्रेडिट साइड में आपने ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, और अब इस ओपनिंग कैपिटल में क्या चीज़ें प्लस होंगी, क्या चीज़ें माइनस होंगी, और लास्ट में कितना हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा, यहाँ हमें पहुँचना है क्लोजिंग कैपिटल पे। वो कौन सी चीज़ें कैपिटल में प्लस होंगी, वो कौन सी चीज़ें कैपिटल में माइनस होंगी, जिससे कि हम ईयर एंड में अपने कैपिटल को फाइंड आउट कर सकें, जान सकें एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच कैपिटल अवेलेबल इन टू द फॉर्म। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के को मिला है फॉर्म से, इसलिए पार्टनर्स के लिए क्या है, ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। इनकम है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल प्लस होगा, और जब भी कैपिटल प्लस होता है तो उसको क्या करना होगा, क्रेडिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा उनके अपने अपने इंडिविजुअल कैपिटल पे, इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सी प्लस को इंडिकेट कर रहा है। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा फॉर्म से, ये भी पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, और इनकम है तो फिर कैपिटल प्लस होगा, और जब कैपिटल प्लस होगा बढ़ेगा तो आप कैपिटल में उसको क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में दिखा दो। नेक्स्ट, आपने फॉर्म से क्या किया था, ड्राइंग, तो आपको पता होगा ड्राइंग करने से उसका इफेक्ट कैपिटल पे क्या होता है, कैपिटल माइनस हो जाएगा। जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसको कैपिटल कहते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल जरूरत के लिए फॉर्म से पैसे आप निकाल लेते हो, अपने कैपिटल से पैसे ड्राइंग करते हो, तो उसको कैपिटल पे क्या असर होगा, कैपिटल आपका डिक्रीज होगा। और क्यों डिक्रीज हुआ, तो ड्राइंग, ए ने ड्राइंग किया तो ए का कैपिटल माइनस हो जाएगा, बी ने ड्राइंग किया तो बी का कैपिटल माइनस हो गया, सीधे सीधे हमने डेबिट साइड में पुटअप कर दिया। जब हमने ड्राइंग किया है तो हमें पता है कि हम फॉर्म को अपने ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो फिर हमारा कैपिटल क्या होगा, कम होगा, और फिर कैपिटल कम होने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट साइड में नोट करेंगे, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट शो किया गया है क्वेश्चन में, डेबिट मतलब कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल माइनस में हो, जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल माइनस में हो या कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग कैपिटल अगर डेबिट में होगा कुछ इस तरह से निगेटिव में है, तो आप उसको डेबिट साइड में पुटअप करना, और अगर ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मली मान के चलो कि कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये है, ये कंडीशनल हो गया। अगर कुछ इस तरह का है तो आप ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर पुटअप करोगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हमने बनाया था तो लास्ट में आपने पीएल एप्रोप्रिएशन का रिजल्ट देखा था, क्या हुआ था रिजल्ट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट यानी ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को मिलेगा प्रॉफिट, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो आप उसको सी प्लस हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड में पुटअप कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया। मैटर्स तो बहुत सारे अभी कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए हैं, आगे आपको हर चैप्टर में कैपिटल अकाउंट ही तो पढ़ना है, मेन आपका पार्टनरशिप सब्जेक्ट में, मतलब पार्टनरशिप में आपको कैपिटल अकाउंट पे ही पूरा का पूरा फोकस है, इसलिए बहुत सारे आइटम हैं, इसलिए आप यहाँ पे इसका फाइनल टच ना माने, अभी कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी बातें आपसे करनी है, डिस्कस करनी है, लेकिन कुछ बातें जो यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन को टच करते हुए थे वो आइटम्स हमने यहाँ पे शो किए हैं फिलहाल, कि इनको हम कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुटअप करते हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड अकाउंट्स को क्लोज करना है एट द एंड ऑफ ईयर, और अब क्लोज करेंगे तो आपको पता है अकाउंट क्लोज कैसे करते हो, ये सब चीज़ें आप 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, अकाउंट्स कैसे क्लोज करना है, तो आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है यानी कि कैपिटल प्लस सी प्लस है ज़्यादा है सी माइनस को, कैपिटल जितना उसमें से लेस होना है लेस कर दो, जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर हमारे फॉर्म का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ रफली अगर देखें तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे कैपिटल में प्लस हो गई, ऐसे कुछ चीज़ें हमारे कैपिटल में माइनस हो गई, और माइनस होने के बाद यहाँ पे ए का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा और बी का क्लोजिंग कैपिटल यहाँ, ये क्या बता रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हाउ मच कैपिटल वाज अवेलेबल इनटू द फॉर्म एंड एट द एंड ऑफ ईयर नाउ हाउ मच कैपिटल इज अवेलेबल इनटू द फॉर्म। इस तरह से हमने पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टॉपिक को हमने टच किया, लगभग हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो आया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमको डिस्कस करने हैं, ये बहुत अच्छे से समझना है अभी, लेकिन मैंने बताया अभी पीएल एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आइटम्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनको मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के रूल के अकॉर्डिंग, तो आप अपना बुक स्टडी करके या जैसे कहीं जहाँ से भी आप
कुछ उसके बारे में कुछ नॉलेज जनरेट कर पाते हो तो करके आओ, और अच्छी बात होगी। फिर मैं उसको अपने हिसाब से, और एक छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, ये जो लिखा गया, ये जो आपको दिया गया, ये बहुत बेहतरीन सिचुएशन हमको लगता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लेरिफाई करेगा टॉपिक को। ये आपके पीएल अप्रोप्रिएशन को भी बहुत क्लियर मेरे समझ से दिखाता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका यूज कैसे किया गया वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट डे हमारा वीडियो होगा, वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।